यस गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल चाणक्य डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल गेन। मैंने पहले भी ये टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ सम्स देखने वाले हैं, सम्स जो आपको एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और वो सम्स एकदम से एक फॉर्मेट के बेस पे पूरा बंधा हुआ है। अगर एक बार आप वो फॉर्मेट सीख लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं, तो आपके लिए वो सम्स कोई बड़ी चीज़ नहीं रह जाती। क्लियर? तो मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले ना वो फॉर्मेट डिस्कस करूँगा, और एक बार जब वो फॉर्मेट डिस्कस करके हो जाएगा तो मैं आप लोगों को उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन भी क्या करूँगा, करवा दूँगा। क्लियर? तो चलो चलते हैं, एक बार जरा इसका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। आइए हमारे साथ, ये देखिए गाइस, सबसे पहले हमारे चैप्टर कैपिटल गेन में वर्ड आता है गेन, जिसका मतलब है प्रॉफिट। गेन का मतलब ही होता है प्रॉफिट का हिस्सा। और प्रॉफिट वर्ड कहाँ से आता है? दो चीज़ों से, जिसे आप बोलते हो सेल्स और दूसरा कॉस्ट। सेल्स और कॉस्ट के डिफरेंस को, सेल्स और कॉस्ट के डिफरेंस को आप बोलते हो गेन। क्या बोलते हो? गेन। अगर ये पॉजिटिव आया तो गेन, और अगर मान लो नेगेटिव आ गया तो लॉस। मतलब ये हो जाएगा कैपिटल लॉस और ये हो जाएगा कैपिटल गेन। अगर डिफरेंस पॉजिटिव है मतलब सेल्स का फिगर बड़ा है और कॉस्ट का फिगर छोटा है तो गेन। लेकिन अगर मान लो हमारा एग्जांपल चेंज हुआ, सेल्स का फिगर छोटा है और कॉस्ट का फिगर बड़ा है, तो हो गया लॉस। क्लियर? तो ये हो गया दो चीज, ये होगी पहली बात। अब दूसरा, कैपिटल गेन चैप्टर में हम लोग को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने को होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने को होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात है जिसमें हम बोलते हैं वो असेट्स जो लेस देन 3 ईयर्स से हमारे पास है, वो असेट्स जो लेस देन 3 ईयर्स से हमारे पास है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स बोलते हैं। मतलब सटका। क्या बोलते हैं? सटका, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स विच इज हेल्ड फॉर लेस देन 3 ईयर्स, लेस देन 3 ईयर्स। और जो असेट्स 3 साल से ज़्यादा के लिए है उसे आप बोलते हो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, दैट इज कॉल्ड एज लटका, लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। अब इसी से रिलेटेड इनका फॉर्मेट भी है। पहले मैं बात करूँगा कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहले आपका रहेगा सेलिंग प्राइस, जिसको यहाँ पे बोलते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और दूसरे वर्ड में यहाँ पे FVOC, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दूसरे वर्ड में FVOC। लेस कर दो यहाँ से ट्रांसफर एक्सपेंसेस, मतलब बेचने के लिए आपको क्या क्या खर्चा करना पड़ा, ब्रोकरेज, कमीशन, ये सब अगर आप खर्चा करते हो तो इसे बोलते हैं ट्रांसफर एक्सपेंसेस। नेट करके मिलेगा, उसको बोलते हैं नेट कंसिडरेशन। अब इस नेट कंसिडरेशन में से आपको माइनस करना होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जिसे आप बोलते हो कौआ, COA, और एक दूसरा दैट इज कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिसे आप बोलते हो कवी। क्या बोलते हो? कवी, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये माइनस करने के बाद आपको मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल, सॉरी
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू। लॉस को कभी भी ब्रैकेट से शो करते हैं, इसके लिए ये ब्रैकेट में। क्लियर? तो ये हो गया आपका फॉर्मेट फॉर शॉर्ट टर्म। वही अगर बात करूं लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म की कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इसका भी फॉर्मेट बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले FVOC, जिसका नाम है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, या आपने लिख दिया यहाँ पे FVOC, इसे मैं फुल डिटेल में भी लिख देता हूँ आपके लिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इसमें से आपने माइनस किया ट्रांसफर एक्सपेंसेस, वही जो मैंने आपको बताया कमीशन ब्रोकरेज वगैरह जो आप पे करते हो माइनस कर, आपको मिल जाएगा नेट कंसिडरेशन। नेट कंसिडरेशन मतलब ये आपका नेट सेलिंग प्राइस, एक ढंग से बोल सकते हैं कि नेट सेलिंग प्राइस हमारा आ गया। इसमें से माइनस करना है आई कौआ, ये नया है आई कौआ, आई, आई फॉर इंडेक्स्ड, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। गाइज आप पूछोगे इंडेक्स्ड मतलब क्या? गाइज गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि महंगाई नाम की एक चीज़ होती है जो आपके कॉस्ट को अफेक्ट करती है। मतलब अगर आपके पापा ने या आपके परदादा ने या खुद आपने कोई घर खरीदा है आज से 10 साल 15 साल पहले, तो वो घर की कीमत आज उतनी नहीं होगी, आज बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने कोई घर 5 लाख में खरीद रखा है 2007 या 8 में 5 लाख में कोई घर खरीद के रखा है, तो क्या आज उस घर की कीमत 2020-21 में क्या 5 लाख ही रहेगी? आंसर इज नो। आज उसकी कीमत बढ़ के 25 लाख हो गई है। तो अगर मैं वही घर को आज लेने जाऊं तो मुझे 25 लाख देना पड़ेगा, और मार्केट में मैं सेल भी उसके हिसाब से ही करूंगा, तो मतलब मेरे अगर मैं 25 लाख में से 5 लाख माइनस करता हूँ और 20 लाख पे मुझे कोई टैक्स लगाता है, तो ये मेरे पर अन्याय कर रही है गवर्नमेंट। और ये बात गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये घर आज बंदा मार्केट में लेने जाएगा तो कम से कम उसे 18 लाख 20 लाख में तो मिलेगा ही, 22 लाख में तो मिलेगा ही। तो इसका कैपिटल गेन सीधा 20 लाख का नहीं हुआ, इसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट देना चाहिए, इसे इंडेक्सेशन का बेनिफिट देना चाहिए। और इसके तहत उन्होंने हम लोग को इंडेक्सेशन अलाउ किया। इसका फॉर्मूला भी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन, ईयर ऑफ एक्विजिशन, खत्म। लेकिन गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अगर आपने अपना घर, आपने अपना घर 2001 से पहले खरीद रखा है, मतलब 2001 से पहले एक्विजिशन किया है, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट में बेस आपका 100 रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इंडेक्सेशन चालू किया है 2001 से। उससे पहले 2001 का बेस उन्होंने रखा था, 2001-2002 का बेस रखा था 100। उससे पहले अगर आपने घर खरीदा है तो आपको बोला गया है आपका ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट और प्राइस ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। तो आपका ओरिजिनल कॉस्ट मतलब मान लो आपने 95-96 में ख़रीदा है 2 लाख का, और अगर आपने प्राइस वापस कैलकुलेट किया 2001 में, उसका प्राइस आता है 4 लाख रुपया, तो विच एवर इज हायर कौन सा रहेगा? ये वाला। तो आप यहाँ पे 4 लाख का बेस लेके कैलकुलेट करो। क्लियर? तो ये एक छोटा सा पॉइंट है। सेम टाइम गवर्नमेंट ने इम्प्रूवमेंट को भी कंसिडर किया, जिसको आप बोलते हो इंडेक्स, ये कौवा का हो गया, अब ये कौवी की बात करते हैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसमें
हम लोग बात करते कि कुछ इम्प्रूवमेंट वगैरह किया तो, मतलब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, मतलब जिस साल आपने इम्प्रूवमेंट किया उस साल का इंडेक्स क्या कर लो, ले लो, और दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, किससे, नेट कंसिडरेशन जो आपका आया है उससे आपको मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, लॉस हमेशा माइनस में होता है, क्लियर। तो ये हमारे सामने चार्ट है और हमको इसी चार्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। ये हमारे सामने चार्ट है, टेबल है, फॉर्मूला है। आप बोल सकते हैं कि भाई करने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक हमारे सामने, हमको इसी में अपना फॉर्मूला फिट करना है और सॉल्व करना है। लॉन्ग टर्म में कैसे सॉल्व होगा, शॉर्ट टर्म में कैसे सॉल्व होगा, क्लियर। तो मैं काम करता हूँ, इसको एक बार ज़रा फटाफट वापस से लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। FVOC माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, नेट कंसिडरेशन आई का हुआ, यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बना दूंगा, वर्किंग नोट नंबर 1, आई कव वी, वर्किंग नोट नंबर 2, और यहाँ पे LTCG आ जाएगा। आई कव वा का फॉर्मूला भी यहाँ पे लिख देता हूँ वापस से, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय ईयर ऑफ एक्विजिशन, और आई कव वी का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, COI मल्टीप्लाई बाय ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइडेड बाय ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये आगे लिखना CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। सॉल्व करते जरा देखते हैं, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते इसके बेस पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, मिस्टर शिवा परचेज अ प्रॉपर्टी ड्यूरिंग 2002 and 3। 2002 और 3 में मिस्टर शिवा ने क्या किया, प्रॉपर्टी परचेज किया। आगे बोलता है फॉर 3,80,000, मतलब ये हमको परचेज प्राइस की बात कर रहा है कि भैया ये हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदने का दाम। हम लोगों ने 3,80,000 में अपना प्रॉपर्टी परचेज किया, मतलब मिस्टर शिवा ने 3,80,000 में प्रॉपर्टी परचेज किया। ही स्पेंट 1,50,000 फॉर इम्प्रूवमेंट ड्यूरिंग 2008 and 9, ड्यूरिंग 2008 and 2009, मतलब हमको COA दे दिया, COA है हमारा 3,80,000 और COI भी दे दिया हमको, दैट इज 1,50,000। आगे बोलता है ऑन 26 2019 का मतलब हो गया 1920, प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर 1920 में हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी बेच दिया। कितने बेचा, तो बेचने का स्टाइल ही बता रहा है, बेचने का दाम हमको बताता है। 2019-20 में हमने बेचा है 2,200,000 में, जिसके लिए हमको ब्रोकरेज पे करना पड़ा 50,000, मतलब ट्रांसफर एक्सपेंसेस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, आपको अब कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, क्या आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करो और बताओ, चलो आ जाओ जरा फटाफट। सबसे पहले मुझे बताओ आप बेच कब रहे हो 2019-20 में, मतलब आपका आपका सेलिंग ईयर कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 1920, ठीक है, आपका सेलिंग ईयर है 1920। अब मुझे ये बताओ आपने खरीदा कब था, 2002-2003 में, तो ये लॉन्ग टर्म असेट्स है कि शॉर्ट टर्म असेट्स है, ये लॉन्ग टर्म असेट्स है क्योंकि 3 साल से ज़्यादा हो गया, खरीदा था 2002-03 में और बेच रहे हैं 19-20 में, तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स हो गया, सीधी सी बात है। और एक बार ये लॉन्ग टर्म असेट्स हो गया, मतलब हमारा लॉन्ग टर्म कंप्यूटेशन होगा कुछ ये वाला। सेलिंग प्राइस वापस से आप एक बार देख सकते हैं, सेलिंग प्राइस है हमारा 2,200,000 रुपया, लिख दो यहाँ पे 2,200,000। ट्रांसफर एक्सपेंसेस मतलब ब्रोकरेज 50,000 रुपये। आपका नेट कंसिडरेशन आता है 21,50,000 रुपया,
नेट कंसिडरेशन। अब बात आती है आई कौवा और आई कौवी की, आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकालना है। निकालते जरा, COA कितना है आपका, COA चेक करो फटाफट, COA है आपका 380,000, तो 380,000 कौन से साल में, 2023 में, ओके अभी तो देखो 280,000 आपका COA है, 280,000 आपका, सॉरी 380,000 नॉट 2 लाख, इट्स 380,000 आपका COA है। ईयर ऑफ ट्रांसफर, ईयर ऑफ ट्रांसफर है 1920 और ईयर ऑफ एक्विजिशन दैट इज 23, चेक कर सकते हैं आप, ईयर ऑफ ट्रांसफर 28/6/19 मतलब 1920 और 23 दैट इज परचेज ईयर 23 बराबर है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में इंडेक्स देते हैं, जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपके पास इंडेक्स रहेगा, इंडेक्स आपको आराम से मिल जाएगा, इंडेक्स आपके पास रहेगा ही रहेगा। तो ईयर ऑफ ट्रांसफर मतलब 1920 का इंडेक्स जब चार्ट देखोगे तो वहाँ पे है 289 और एक्विजिशन का इंडेक्स जब देखोगे मतलब 2 और 3 का इंडेक्स देखोगे तो यहाँ पे आंसर है 105, क्लियर, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। इससे आपको मिल जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो पहले मैं एक बार पूरा कैलकुलेट कर लूँ उसके बाद ही जाऊँगा कैलकुलेशन पे, एक साथ ही जाऊँगा। COI पर जाता जरा, COI है 150,000, ओके 150,000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर मतलब 1920, तो 1920 का तो पता है अपने को 289, डिवाइडेड बाय ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट, ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट कौन सा है अपना यहाँ पे 2008-9 का इंडेक्स अपने को पता होना चाहिए जो मेरे पास अवेलेबल है, आपको ये एग्ज़ाम में दिया रहेगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे है 137, अब 137 आपने यहाँ पे लिख दिया। अब कैलकुलेशन करो आराम से, कैलकुलेशन करना आप लोग को आता है, कैलसी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 380,000 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 105 डिवाइडेड बाय 105, 380,000 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 105 आपका आंसर आता है 1045905। राउंड ऑफ कर सकते हैं, हम लोगों ने राउंड ऑफ कर दिया नेक्स्ट डिजिट में 1045905। वैसे ही आप उसका COI भी निकालो, 150,000 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 137 आपका आंसर आता है 316423। आप इसे क्या करोगे यहाँ पे माइनस कर दोगे, करो माइनस 316423 माइनस, और ऊपर में क्या लिख दोगे यहाँ पे 1045905 माइनस कर दो। आप जरा हिसाब लगा लेते हैं, 21,50,000 माइनस 1045905 माइनस 316423 आपका आंसर आता है 787672। ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इसी अमाउंट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका कैलकुलेट हो गया। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब जरा इसी के बेस पे आप लोग मुझे गाइड करो, मैं बस चेक कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 मुझे सॉल्व करना है। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 2, FVOC लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, मुझे आंसर आएगा नेट कंसिडरेशन का, लेस करते हैं इसमें से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और लेस करते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, वर्किंग नोट नंबर 2 वर्किंग नोट नंबर 1 क्लियर। चलो यहाँ पे आएगा LTCG या STCG, चेक कर लेंगे क्या आता है, देख के पता चलेगा। नाउ
मूविंग फॉर द क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते समझते क्या बोल रहा है। ये देखो, मिस्टर शिवा, वापस मिस्टर शिवा परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग 95-96। ओहो, 95-96 में उन्होंने घर खरीदा था, घर खरीदा था मिस्टर शिवा ने, कितने में? 50,000 में, ठीक है। और उसका एफएमवी का मतलब फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2004 इज 1,80,000, 1,80,000 उसका दाम था, फेयर मार्केट वैल्यू था, क्लियर। फेयर मार्केट वैल्यू का मतलब होता है कि उस दिन उसका प्राइस इतना होना चाहिए था, फेयर मार्केट वैल्यू था 1/4/2000 का इसका प्राइस था 1,80,000, क्लियर। गाइज, अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया कि भाई 2001 में, ये 2001 है नॉट 4, 2001 में इसका प्राइस था 1,80,000। ही स्पेंट फॉलोइंग अमाउंट फॉर इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने खर्चा किया 60,000 97-98 में खर्चा किया, 1,20,000 2004-2005 में खर्चा किया, बराबर है। इम्प्रूवमेंट दो बार किया, एक 97-98 में किया और एक 2004-2005 में किया। ऑन 5th July 2019 सोल्ड फॉर 90,000 में उन्होंने बेच, 19 लैक्स में सॉरी बेच दिया, जिसका ब्रोकरेज उन्होंने पे किया 50,000 रुपीज़। अब बोलता है आप एक काम करो, कैपिटल गेन कैलकुलेट करो। तो सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है पहले वो लिख लेते हैं। ये देखो, 19 लैक्स मुझे सेलिंग प्राइस पता है, सबसे पहले मैंने वही लिख लिया। 50,000 मुझे ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस पता है, मतलब ब्रोकरेज, वो मैंने लिख लिया। 18,50,000 मेरा नेट कंसिडरेशन आ गया। अब बात करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। पहले समझो गाइस, अगर कोई भी असेट्स 2001 से पहले खरीदा, जो मैंने जस्ट बोला 1/4/2001 से पहले खरीदा हुआ है, तो उस केस में, इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, और क्या बोला, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। तो इसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है मुझे आप लोग बताओगे, और फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/1 को क्या है वो भी आप लोग बताओगे। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो एक्चुअल कॉस्ट है इसका 50,000 रुपीज़। ये देखो, मैं इसको रब कर रहा हूँ, एक्चुअल कॉस्ट है इसका 50,000 रुपीज़ और फेयर मार्केट वैल्यू है 1,80,000। तो यहाँ पे मैं ज़रा लिख लूँ, एक्चुअल कॉस्ट है इसका 50,000 रुपीज़ और फेयर मार्केट वैल्यू है 1,80,000। तो विच एवर इज हायर में क्या सेलेक्ट हो जाएगा, विच एवर हायर में ये सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसका आ गया 1,80,000, क्लियर। अब मैं करूंगा इसका मल्टीप्लिकेशन, कैसे, ऊपर ट्रांसफर नीचे परचेज। तो परचेज तो भाई पता नहीं है, मैं बेस ले लूँगा 100, 1/4 का जो है वो बेस ले लूँगा 100। अब यहाँ पे ट्रांसफ़र मुझे पता है 1920 में ट्रांसफ़र हुआ, डेट हम देख सकते हैं, डेट है 5 जुलाई 19 का मतलब है 1920, और 1920 का इंडेक्स जस्ट मैंने ऊपर में चेक किया, दैट इज़ नथिंग बट 289 में यहाँ पे एक बार कॉपी करके रख लूँगा, क्लियर। भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि 180 कहाँ से आया, वो जस्ट मैंने ऊपर में एक्सप्लेन किया कि कोई भी एक्विजिशन अगर 1/4/2001 के पहले हुआ है तो इन दैट केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/1 विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब बात करते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की। इम्प्रूवमेंट दो बार हुआ है, एक 1997-98 में और एक 2004-2005 में। जरा वापस से चेक कर ले अपन एक बार, 2004-05 में एक बार इम्प्रूवमेंट हुआ है, आप लोग भी देख सकते हैं 2004-05 में और 97-98 में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये देखो 97-98 में, 2004 और 2005 में। अब 97-98 वाले इम्प्रूवमेंट को अपन इग्नोर करेंगे, ऐसा रूल बोलता है। एनी इम्प्रूवमेंट, क्या बोलने का, एनी इम्प्रूवमेंट बिफोर 2001 शुड बी इग्नोर, और एनी इम्प्रूवमेंट आफ्टर
आफ्टर 4-5 शुड बी कंसिडर। तो मतलब ये जो आपका इम्प्रूवमेंट है 60,000 इसको इग्नोर कर दो और जो बचा 1,20,000 इसको कंसिडर कर लो। तो 1,20,000 आपका हो गया इम्प्रूवमेंट। ऊपर में 289 और 4-5 का इंडेक्स अपने को चेक करना पड़ेगा। अब मेरे पास इंडेक्स अवेलेबल है, मैं चेक कर रहा हूँ 4-5 का, दैट इज़ 113। मुझे इंडेक्स मिल गया 113। अब मैं इसका कैलकुलेशन निकालूंगा फटाफट में। आ जाओ ज़रा कैलकुलेशन चेक करते हैं फटाफट। इसका कैलकुलेशन आता है कुछ 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 289 डिवाइडेड बाय 100। आपका आंसर है 5,20,200। और यहाँ पे आप जब चेक कर रहे हो तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइडेड बाय 113 आपका आंसर आता है 3,06,902 कर दो राउंड ऑफ। तो गाइस ये दो आंसर हमको यहाँ पे मिलते हैं जो आप माइनस कर सकते हैं। करो माइनस 5,20,200 और दूसरा आंसर आपको यहाँ पे मिला है 3,06,903। दोनों माइनस कर दो आपको आंसर आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 18,50,000 माइनस 5,20,200 माइनस 3,06,903 10,22,897 यह आपका हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो गाइज दीज आर द एग्जाम्पल कि हाउ टू कैलकुलेट द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कि कब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं इसमें खास इसमें स्पेशल इफेक्ट क्या आया, इसमें स्पेशल इफेक्ट आया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन केस में, कि हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे सेलेक्ट किया, और कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट केस में कैसे हम लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया। क्लियर? अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट 2001 से पहले का है तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो। तो गाइज ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे, चाणक्य डिजिटल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के साथ जुड़े रहे, सीखते रहे, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड बाय दोस्तों, गुड बाय।